नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ में लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ए और के नाम का लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा ये लोगो हम डिज़ाइन करने वाले हैं आज। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है एक न्यू पेज का, नया पेज बन गया है। सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल लेंगे। देखिए F8 इसका शॉर्ट फॉर्म है, F8 इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम अपने जो अल्फ़ाबेट का हम लोगो बनाना चाहते हैं वो लिखेंगे। हमने ए के लिख दिया, इसको शिफ्ट पकड़ के अपने माउस का लेफ्ट पकड़ के इसको बड़ा कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम फॉन्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट चूज़ करेंगे। हम क्या लगाएंगे, बेल गोथिक इस पर सेलेक्ट किया। देखिए ये बन गया। इसकी हम एक कॉपी फाइल रख देते हैं कि हमें बाद में ज़रूरत पड़ी तो। देखिए कॉपी एडिट में गया, कॉपी एडिट में गया पेस्ट, इसको हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, अपने माउस का लेफ्ट की प्रेस करेंगे। देखिए जहाँ पे कलर है, और यहाँ पे जाके राइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे पेन टूल का ऑप्शन आता है आपका, जूम टूल के नीचे वाला टूल, यहाँ पे पेन टूल का ऑप्शन आता है। हमें पहले ये हटाना है। देखिएगा सेलेक्ट किया, ठीक इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने बॉक्स बनाया उसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और माउस का लेफ्ट की प्रेस करेंगे। शिफ्ट दबा के माउस का लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो ऐसा एक ऑप्शन आएगा। इस पे हम ट्रिम पे क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारा बीच में जो डंडा था वो हट गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों जॉइंट है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। देखिए ब्रेक अप पार्ट, इस पर क्लिक किया हमने, इसको हमने साइड कर दिया। ठीक है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, या देखिए इस पर सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका सेप टूल। ये जो नोड दिख रहे हैं ये हम हटा देंगे। ठीक है, इसको पकड़ेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे हम अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे हम। देखिए ये रेक्टेंगल टूल, यहाँ से बॉक्स बनाया हमने, शिफ्ट दबाया, अपने माउस का लेफ्ट की प्रेस किया, वही इसको हमने ट्रिम कर दिया। ठीक है, ये हट गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर हम कोई कलर एनीबॉडी कोई भी कलर फील कर सकते हैं हम, ब्लैक। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ये है इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। यहाँ पकड़ेंगे इसको, थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे। देखिए कर दिया हमने स्ट्रेच। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे, रेक्टेंगल टूल यहाँ पे ऐसे खींचेंगे। ठीक है, खींचने के बाद इसको इस पर सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, अपने माउस का लेफ्ट की, और इसको जॉइंट कर देंगे हम। देखिए ये सही नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट पकड़ेंगे, इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे, ये डिलीट। ठीक है, देखिए इसके हिसाब से ये मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम सेलेक्ट करके ऊपर नीचे करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, देखिएगा ठीक है ये हो गया। उसके बाद देखिए ये टेढ़ा आ रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट किया, सेप टूल पे गए, इस पे देखो इसके नोड पे हमने सेलेक्ट किया और माउस का राइट की प्रेस किया, यहाँ पे आ रहा टू लाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ नहीं करना है हमें, ऐसे लगा देना अपने हिसाब से, मतलब आपको जो सही लगे, ऊपर सही लगता है तो ऊपर लगा सकते हैं, नीचे लगा सही लगता है तो नीचे लगा सकते हैं। इसके बाद हम इस पर कलर कर देते हैं, एनीबॉडी कोई भी कलर कर सकते हैं, ये वाला कलर करते हैं। यदि आपको कोई दो कलर अच्छा लगता है, इस पर रेड कर दिया हमने, इस पर भी हम रेड करके इसका डार्क कर सकते हैं कलर। देखिए
इसको डार्क कर सकते हैं कलर, यदि आप आपको इसमें लगता है कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो कर सकते हैं। देखिए इतना हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया आपको एक सिंपल लोगो कैसे बनाया जा सकता है। हमारा टेक्स्ट ये था, हमने जो टेक्स्ट टाइप किया था और उसको हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया तो इस टाइप का लोगो हमारा बन गया है। यदि आपको इस टाइप की लोगो बनानी है तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में बेल आइकन है वो भी दबा सकते हैं जिससे आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। थैंक यू।